हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। तो आज मैं आपको जोड़े में इस बारे में बताने जा रहा हूँ SCERT चंडीगढ़ के बारे में। ये क्या होती है, कैसे क्या करने पड़ते हैं, कितना स्कोर कार्ड वैलिड रहेगी अप्लाई करने के लिए, किस तरीके से सारी चीज़ें करनी होगी, आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो मेक श्योर कर लीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया चंडीगढ़ के रिलेटेड। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसा किस तरीके से करनी होगी, आपको सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगी। तो चलिए पहले किसी भी ब्राउज़र से google.com ओपन करके वहाँ पर एग्जैक्टली वह टाइप करें जो मैंने टाइप किया है, SCERT चंडीगढ़ DLA 2021 IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको चंडीगढ़ के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। सबसे पहले तो आपको सर्च करना है। सर्च जैसे करते हैं आप न्यू टैब में ओपन होते हैं, यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक पर एग्जैक्टली क्लिक करनी है, जहाँ पर आपको IAS पेपर .net लिखी हुई रहनी चाहिए, तब आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं आप न्यू टैब में एग्जैक्टली ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बताई गई है, अप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, डेट्स होती इंपॉर्टेंट, एलिजिबिलिटी पैटर्न, सिलेबस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है, आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये सारे एडमिशन प्रोसेस होते हैं, इसमें सारे प्रोसेस को आपको कैसे किस तरीके से देखने होंगे, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो इस फॉर्म को फिल करना जो सामने आपके फॉर्म है। तो आपका नाम क्या है, अपना नाम यहाँ पर अपना टाइप कर लेना है, और ईमेल आईडी क्या है आपका, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है आपका, कौन से स्टेट के रहने वाले हैं आप, अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ओके, चंडीगढ़ में सिटी कौन सी है, सिटी कौन सी है आपकी, और स्टेट कौन सा आपका, सॉरी कौन से कोर्स में आपको इंटरेस्ट है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस आपकी क्या है। फिर आपको गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर देनी है। तो उससे क्या होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर और आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएमएस आते रहेंगे, तो आपको गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। सो सिंपल, तो इस तरीके से आपके सामने आएगा थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म है किसका, SCERT का फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग चंडीगढ़ में जो है, ये अलाउइंग बॉडी द एक्सचेंज ऑफ एडमिशन के लिए 2 साल का यहाँ पर जो डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन जो यहाँ पर होता है DED का, और अप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन के लिए यहाँ पर प्रोवाइड की गई है इसमें, ठीक है, इस प्रोग्राम में। तो आपको मई के मंथ में आपको ज़रूर अप्लीकेशन फॉर्म को पे जो यहाँ पर फिल करना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको वहीं पर हो जाते हैं, मेरे सारे चीज़ यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ये गाइडलाइंस आपको दी जाती है, वहाँ पर आपको अप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको गाइडलाइंस भी दी जाएगी, आपको कैसे किस तरीके से क्या करने होंगे, क्या क्या रूल्स रहेंगे, इन्फॉर्मेशन सारी बताई जाएगी, ठीक है। तो चंडीगढ़ के पहले यहाँ पर देख लेते हैं एग्ज़ाम नेम क्या है, चंडीगढ़ DLED फुल फॉर्म चंडीगढ़ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री। एग्ज़ाम टाइप्स यहाँ पर यूजी लेवल का होता है, एग्ज़ाम लेवल स्टेट लेवल का होता है, कंडक्टिंग बॉडी यहाँ पर जो है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंट्रल UT चंडीगढ़। अप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मोड से, एग्ज़ाम मोड ऑफलाइन, एग्ज़ाम डेट आपको जल्दी अवेलेबल कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम ड्यूरेशन 3 आवर्स के लिए, ऑफिशियल वेबसाइट ये आपके सामने, हेल्पलाइन नंबर के लिए कॉन्टैक्ट के लिए कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं चंडीगढ़ का। उससे पहले आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहूँगा, देश के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। तो UPS यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, GT गोयनका यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, SRMU, SSIU यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। तो इसमें क्या होता है कि देश के सभी बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो जब आप उनके साथ पढ़ते हैं, लिखते हैं, बातें करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, साथ में रहते हैं, घूमते फिरते हैं, तो क्या होता है उससे आपका कल्चर एक्सचेंज होता है, आपका माइंड सेट, आपका लैंग्वेज, आपका नॉलेज, आपका टैलेंट एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ आप इनमें से ज़रूर किसी न किसी एक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ज़रूर लीजिए। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम पे क्लिक करना है और अप्लाई कर लेना है उस यूनिवर्सिटीज़ के लिए जिसमें भी आपको एडमिशन चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम डेट कैसे, इवेंट और टेंटेटिव डेट्स यहाँ पर बताई गई है। प्रोस्पेक्टिव स्टार्ट आपका लार्जेस्ट प्रोस्पेक्टिव्स है यहाँ पर, कभी है पोस्ट बाय 3rd week of June है और ये स्टार्टिंग डेट है, ठीक है। और अप्लीकेशन फॉर्म ड्यू डेट डेट यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है, लास्ट डेट ये रहा 1st week of July में है। फिर ये फीस का, एडमिट कार्ड का, एग्ज़ाम का है, काउंसलिंग का, इस तरीके से देखने काफ़ी सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं अप्लीकेशन फॉर्म। तो अप्लीकेशन फॉर्म
जिस डेट पे बोला जाएगा उस डेट पे रिलीज़ कर दी जाएगी। उसके बाद लास्ट डेट भी आप जानते ही हैं, तो आपको उस डेट के बीच में जल्दी से जल्दी आपको अप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। तो फिल उसमें क्या करेंगे, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशंस, आपके पेरेंट्स इंफॉर्मेशंस, आधार कार्ड, आईडी कार्ड वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एजुकेशन डिटेल्स देने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अप्लीकेशन फॉर्म के फ़ीस देने पड़ते हैं, फ़ीस भी यहाँ पर आपको बताया गया। उसमें आपको एक और बात, अप्लीकेशन फॉर्म में पीडीएफ सॉरी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने, यानी कि आपके फ़ोटो पासपोर्ट साइज के और आपका सिग्नेचर्स भी अपलोड करने पड़ते हैं, ठीक है, याद ध्यान में रखना। अप्लीकेशन फॉर्म के फ़ीस लगते हैं, तो फ़ीस स्टार्टिंग डेट लास्ट डेट ही देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको जनरल और OBC के लिए 600, SC ST PH के लिए यहाँ पर बताएगा 300 रुपये, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर कैंडिडेट रेसिमेस डालते हैं, आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, मिनिमम 50 मार्क्स आपको आना चाहिए जनरल के लिए, 45 यहाँ पर SC ST PH के लिए, ठीक है। आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, और पैसेज पंजाबी या मेरिट लेवल का यहाँ पर बताया गया होना चाहिए कम से कम। उसके बाद कैंडिडेट्स वर्क जो भी 36 ईयर ऑफ एज कैन होगा तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए रिलैक्सेशन ऑफ 5% आपको यहाँ पर SC और ST के लिए यहाँ पर मिलता है। एग्ज़ाम पैटर्न्स और एग्ज़ाम सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही बता दी जाएगी उस टाइम जिस टाइम इसकी ज़रूरत रहेगी, ठीक है। फिर यहाँ पर रिजल्ट आपको डिक्लेयर कर दी जाती है ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपका रिजल्ट चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करेंगे, वहाँ से ओपन होंगे, फिर वहाँ से लॉगिन करना पड़ता है, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं, फिर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं चाहिए तो। फिर काउंसलिंग आपका रिलीज कर दी जाती है, काउंसलिंग यहाँ पर आपको इसका भी रैंक अच्छा आता है, ठीक है, मार्क्स आते हैं तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है। फिर यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस आपके काउंसलिंग में होते हैं, यहाँ पर कैंडिडेट्स कौन किसको मिला है, सीट अलॉटमेंट बाय द कंडक्टर बोर्ड ऑफ मेरिट बेसिस पे होता है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने पड़ते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हैं, ठीक है, देख लीजिए। रैंक कार्ड होते हैं, एडमिट कार्ड होते हैं, 10th के मार्कशीट, इंटरमीडिएट मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है। फॉल्स डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिग्रेशन के सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको बताएगा, तो देख सकते हैं, ठीक है। वन ऑफ द प्राइवेट कॉलेज या टू अनदर कॉलेज विल बी कंसिडर बाय दी अथॉरिटीज, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, और कुछ भी डाउट होता है आपको डेफिनेटली जरूर कमेंट कीजिए, और ऐसे वीडियो फ्यूचर पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर ये वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू सो मच वॉचिंग।